हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल। बेटा आवाज़ क्लियर आ रही है? धीरे तो नहीं आ रही आवाज़? चलो, हम लोग देखते हैं आज। कल तक बेटा हम लोग देख लिए थे अविकारी शब्द, ठीक। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द में हम लोग आते हैं, अविकारी शब्द होते क्या हैं? देखो, नाम से स्पष्ट है, अविकारी मतलब ऐसे शब्द जिनमें हम कोई भी प्रकार का विकार उत्पन्न ना कर सके, ठीक। विकार का मतलब यह हुआ कि हम उसमें कोई भी प्रकार का चेंजमेंट ना ला सके, कोई विकृति ना उत्पन्न कर सके, ऐसे शब्दों को हम अविकारी कहेंगे। अभी तक इसके पहले हम लोगों ने विकारी शब्द पढ़े, क्वेश्चंस आते हैं विकारी शब्दों से, अविकारी शब्दों से। तो अभी तक बेटा हम लोगों ने अविकारी शब्द जब पढ़े, विकारी शब्दों में आ गया हम लोगों का संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब इनमें होता क्या था बेटा? इनमें हम विकार उत्पन्न कर सकते थे, विशेषण हो गया, क्रिया हो गई। क्यों होता क्या है? ये संज्ञा, सर्वनाम, काल, अवस्था, दशा, इसके अनुसार क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। लेकिन जब हम अविकारी शब्दों की बात करते हैं तो आप पढ़ते हो कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष व काल के द्वारा परिवर्तन हम ना कर सकें, है ना, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते, ऐसे शब्द हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द क्या हो जाएंगे? जिन शब्दों के रूप में हम लिंग, वचन, कारक, पुरुष व काल के द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। जैसे देखो, अब आपको क्रिया में परिवर्तन करना है, राम गया, जाना क्रिया हो गई ना, गया। अब इसी जगह आपको अगर यहीं पर राम पुरलिंग ना होके कोई स्त्रीलिंग की बात करें, जैसे सीता, तो क्या हम यहां पर गया बोलेंगे? सीता गई। तो बेटा जो क्रिया थी उसके उसमें लिंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, मतलब क्रिया में परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। तो जो भी अगर हमने परिवर्तन किया तो ये हमारा क्या आ जाएगा? विकारी शब्दों में आ जाएंगे। लेकिन जहां हम परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं वो सारे शब्द हमारे किस में आ जाएंगे? अविकारी शब्दों में आ जाएंगे। एक बात तो क्लियर हो गई होगी, ठीक। आगे देखो, हम लोग देखते हैं कि जो हमारे शब्दों के ये अविकारी शब्द हैं, इनके बेटा चार भेद कहे गए, ठीक। अविकारी शब्दों के चार भेद कहे गए। और यहां पर पॉइंट नोट करने वाली बात है कि जो अविकारी शब्द हैं इन्हें हम अव्यय कहते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। अव्यय को देखो पदच्छेद करके पढ़ लो, अव्यय, जो व्यय ना हो, मतलब जिनका प्रयोग हम चाहे जितनी बार करें वो खर्च नहीं होंगे, मतलब उनको हम स्वतंत्र हैं, वो अपने ही हिसाब से जो जैसे हैं वैसे ही उनका हम प्रयोग करेंगे। अव्यय की परिभाषा बहुत अच्छी बताई गई, ना व्ययम इति अव्यय, जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, जिनमें हम परिवर्तन ना कर सकें, वो सब क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अव्यय क्या है? अविकारी शब्द है। दो चीजें क्लियर हुई। अविकारी शब्द को ही क्या बोला जाता है? अव्यय बोला जाता है। इनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, दो चीजें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। ये इसके चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद उसके भी थे, विकारी शब्दों के भी। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक। इसके बाद आते हैं हम लोग जो हमारे अविकारी शब्द हैं, इसके भी बेटा चार भेद हो गए, देख लेते हैं। एक तो क्रिया विशेषण, विशेषण और क्रिया। अब क्रिया विशेषण की बात करें तो जो क्रिया विशेषण है वो हमारा अविकारी आ जाएगा, अविकारी में आ जाएगा। संबंध बोधक, ये भी हमारा अविकारी में आ जाएगा। विस्मयादि, अभी इसके बारे में बता देंगे कौन क्या है, ठीक। विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक चार प्रकार के हो गए। देखो कौन कौन सा? क्रिया विशेषण, संबंध विशेषण, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का मतलब हुआ जैसे हमें एक सेट बताना होता है, समुच्चय, समुच्चय मतलब यही तो होता है, सेट बताना है। जैसे कि राम और श्याम, है ना, मोहन और महेश, तो जो हमने और शब्द से इनको कॉम्बाइन किया, और शब्द लगाया, संस्कृत में यही चा शब्द लगा देते हैं, रामश्च श्यामश्च, है ना, राम और श्याम। तो यहां पर बेटा जो श्याम शब्द, ये सॉरी जो चा है, या हम हिंदी में यहां बात करें और, तो ये जो हैं ये हमारे कैसे हैं? समुच्चय बोधक हैं। ये किसी दो लोगों का या दो से ज्यादा लोगों का क्या दिखाते हैं? सेट दिखाते हैं, कॉम्बिनेशन दिखाते हैं, ठीक। तो ये हमारे हो गए समुच्चय बोधक। आगे देखो,
अब निपात को भी किसके अंतर्गत मान लिया जाता है? अव्यय के अंतर्गत मान लिया जाता है। किसको? निपात को। निपातों को भी क्या मान लिया जाता है? अव्यय के अंतर्गत मान लिया जाता है। वैसे बेसिकली आपके हैं कितने प्रकार के अव्यय? चार प्रकार के। यहां तक क्लियर हो गए? प्रश्न आ जाए अव्यय कितने प्रकार के हैं, अव्यय के भेद कितने हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? अव्यय के कुल चार भेद हैं। ठीक। निपात को किसके अंतर्गत माना जा सकता है? विकारी अविकारी दोनों में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से दोनों, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? निपात को आप अव्यय मान सकते हो। ठीक। अविकारी मान सकते हो। चलो आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो क्रिया विशेषण के बारे में देख लेते हैं। क्रिया विशेषण, जैसे विशेषण क्या होता था? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता था, लेकिन क्रिया विशेषण क्या करेगा? नाम से स्पष्ट है कि जो क्रिया विशेषण है वो किसकी विशेषता बताएगा। विशेषण मतलब हुआ विशेषता बताने वाला, और क्रिया विशेषण हो गया तो मतलब क्या हो गया? कि ये क्रिया की विशेषता बताता होगा, यही तो होगा। तो जो क्रिया की विशेषता बताए वो हमारा क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। देखो लिखा भी होगा, जो अव्यय शब्द, जो अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आप परिभाषा खुद से बता सकते हो, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ये अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं, या इन्हें अविकारी बोलते हैं, ये अव्यय होते हैं। बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखो, जैसे राधा चुपके से चली गई, तो देखो राधा हमारी कर्ता हो गई, राधा संज्ञा हो गया ना, कर्ता हो गया, तो बेटा ये तो हमारा विकारी शब्द हुआ। राधा में परिवर्तन कर सकते हैं, इसकी जगह कुछ और भी आ सकता है। चले जाना ये भी हमारी क्रिया हो गई, है ना। अब देखो वो कैसे गई, अगर हम प्रश्न करें कैसे गई, तो चुपके से चली गई, मतलब ये जो चुपके से जाना, धीरे से बैठना, तेजी से उठना, तेजी से बोलना, ये बोलना तो क्रिया हो गई, लेकिन तेजी से, धीरे से, चुपके से, ये सब क्या हो गए? ये सब उसकी विशेषता बता रहे हैं। भाई राधा चली तो गई, अब राधा कैसे गई? राधा चुपके से चली गई, है ना। तो राधा चुपके से चली गई, इस वजह से ये कैसा है? ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसमें कोई पूछे कि भैया क्रिया विशेषण कौन है, उसको आप अंडरलाइन करिए, तो यहां पर चुपके से ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। श्याम यहां आओ, श्याम को बुलाया जा रहा है, कॉल की जा रही है, आने के लिए बोला जा रहा है। आना क्या हो गया? आना आपका वर्ब हो गया, क्रिया हो गई, बट क्रिया की विशेषता क्या है? कहां आओ? यहां आओ। तो यहां आपका ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। राम धीरे चलो, तो राम चलेगा, कैसे चलेगा? धीरे चलेगा, धीरे चलो, ऐसा नहीं कि एकदम एक बार में पहुंच जाओ कल्याणपुर स्टेशन, है ना, ऐसे भी नहीं जाना है, तो मतलब धीरे चलो। तो हुआ क्या? धीरे, तेजी, तो ये सारी चीजें आपकी क्या आ जाएंगी? क्रिया विशेषण। सीता सुबह आएगी, अब कब आएगी? तो भैया सुबह आएगी, सुबह, प्रातः, शाम को, रात्रि में, ये सब क्या हो जाएंगे? भाई इसमें परिवर्तन आप नहीं कर सकते हो, बताओ। वह सुबह जाता है, वह सुबह जाती है ना, वह सुबह खाता है, वह सुबह दौड़ता है, तो सुबह में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कि हुआ? नहीं हुआ ना। तो ऐसे करके देखो, लता धीरे बोलती है, अब लता बोलने का काम कर रही है, बोलती है, ये आपकी क्रिया हो गई, और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? धीरे बोलती है ना, ऐसा धीरे बोलती है, कोई सुन नहीं पाता। तो कहने का मतलब जो भी क्रिया की विशेषता बताए बेटा, वो सारे के सारे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब क्रिया विशेषण के भेद देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने विशेषण के भेद देखे थे, ऐसे क्रिया विशेषण के भेद देख लो। क्रिया विशेषण के बेटा चार भेद हैं। पहले तो अविकारी शब्दों के चार भेद हुए, है ना, अब क्रिया विशेषण के कितने भेद हो गए? चार भेद। अब हम पहले केवल क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं, तो क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? चार भेद। कौन कौन सा? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। नाम से स्पष्ट होगा, देखो स्थानवाचक में क्या होगा या कालवाचक में क्या होगा? काल का मतलब होता है क्या? समय, है ना। तो जहां समय वाली चीजें बताई जाए, जैसे सुबह, प्रातः, शाम को, है ना, और जहां पर आपका स्थान वगैरह बताए जाए, जैसे मान लो यहां पर दिया गया, यहां, वहां,
इधर उधर सामने, तो ये सब स्थानवाचक में आ जाएंगे। अगर आपसे कभी पूछ ले कि मान लो ये क्वेश्चन दे दे, अभी क्वेश्चन आप बना लो, ऊपर यह किस प्रकार का क्रियावाचक विशेषण है, ठीक, किस प्रकार का क्रियावाचक विशेषण है, आपको दे दिया जाए स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। तो जहां पर आपको स्थान के बारे में इधर उधर यहां वहां ये सब किस में आ जाएगा, स्थानवाचक में आ जाएगा। समझ रहे हो ना? आगे देखो, तो सबसे पहले चार प्रकार के हो गए, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो स्थानवाचक से आप लोगों को क्लियर होगा, जहां स्थान के बारे में बताया जाए, मतलब ऐसे अव्यय शब्द क्रिया के स्थान का जो बोध कराएं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो जैसे क्रिया जहां हो रही है, क्रिया के होने के स्थान का बोध कराएं, ठीक, तो वो सब क्या कहलाएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे देखो, यहां हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, क्रिया शब्दों से पहले कहां शब्द का हम प्रयोग करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, उत्तर के रूप में जो आएगा वो हमें मिल जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मोहन देखो, मोहन राम के पास रहता है ना, या विद्यालय के पास रहता है, तो मोहन कहां रहता है, मोहन राम के पास रहता है। अब राम के या मोहन विद्यालय के पास रहता है, या इसके पास उसका घर है, तो पास शब्द हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया, ये सब क्या हो गए, भीतर बाहर, यहां वहां, दायां बायां, नीचे ऊपर, ये बेटा जितने भी शब्द आएंगे ये आपको याद रखना है कि ये सब हमारे कैसे कहलाएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। किस प्रकार के, स्थानवाचक, और स्थानवाचक के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कालवाचक। ठीक, समझ में ना आए तो पूछ लेना, थोड़ा आज हम लोग फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि दो तीन टॉपिक आज हम लोगों को क्लियर करने हैं। ठीक, देखो, अच्छा, कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या हो जाएगा, जो अव्यय शब्द या ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया के समय का बोध कराते हैं। काल का मतलब क्या हुआ, काल का मतलब समय, तो ऐसे अव्यय शब्द या ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया के इस समय का बोध कराते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, तो अब जैसे समय का हम बोध करते हैं, तो प्रश्न क्या करेंगे, कब, अगर स्थान के बारे में जानकारी लेनी है तो कहां, है ना, और इसका समय के बारे में जानकारी लेनी है तो इसके पूर्व में कब का प्रश्न करेंगे। जब आप लोग इसके भेद लिखिएगा, तो जैसे मान लो आपने लिखा स्थानवाचक, स्थानवाचक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या स्थानवाचक को कैसे जानेंगे, तो बेटा यहां पर हमने क्या का प्रश्न कर लिया। कालवाचक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कालवाचक को, तो कालवाचक के लिए हमने क्या प्रश्न कर लिया, कब का। ठीक, अब अगर किसी की स्थिति के बारे में जानकारी लेनी हो, तो स्थिति के बारे में कैसे, कैसे का प्रश्न कर लेंगे हम लोग। तो ऐसे आप उसमें लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म पे कि भैया क्या का प्रश्न करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्थानवाचक मिल जाएगा। कैसे, कब, कब का करेंगे, तो समयवाचक मिल जाएगा। देखो, जैसे आज, कल, शीघ्र, जैसे राम शीघ्र जाता है ना, राम जल्दी जाता है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, जितने भी शब्द हैं ये सब बेटा हमारे कालवाचक विशेषण में आ जाएंगे। पहले, दिन में, तत्काल, लगातार, तुरंत, एक बार, अब, कब, जब, ये जितने भी शब्द हैं, राम दिन भर वह काम करता है, जैसे मान लो प्रश्न आ जाए ऐसे, अब देखो यहां पर राम कार्य करता है, कब कार्य करता है, तो भैया वो दिन भर कार्य करता है, तो दिन भर ये शब्द कैसा हो गया, हमारा अविकारी शब्द है, और ये कैसे, किस प्रकार का अविकारी शब्द है, तो ये हमारा कालवाचक है, क्योंकि ये समय का बता रहा है कि वो दिन भर कार्य करता रहता है, दिन भर का मतलब पूरे दिन, है ना,
लगातार तुरंत ये सब बेटा हमारे आ जाएंगे। देखो इसके ये समझ भाई, एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लेना। कैसे कि जो हमने आपको इसके इसीलिए पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को जल्दी ओवरव्यू हो जाए सारी चीजों का, ठीक। क्योंकि पीडीएफ या बुक से पढ़ाने का ये एक प्रकार की एक बुक ही है। बुक से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि बुक से आप लोग पढ़ोगे तो एक वो वाली फीलिंग आती है ना कि हाँ बिल्कुल हम सामने से बुक पढ़ रहे हैं, है ना, और बुक को कोई डिस्क्राइब करे दे रहा है। तो बुक से आप लोग समझ लोगे, एक बार देखोगे इसके उदाहरण देख लोगे तो वो वहां पर दिमाग में आएंगे परीक्षा में कि हाँ यार शीघ्र लिखा था ये, हमारा किसमें था, कालवाचक में था, है ना। तो ऐसे आप करके इसको खुद से भी पढ़िएगा, पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। आगे देखो हम लोग चलते हैं रीतिवाचक में। दो चीजें बेटा क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ना हो गई हो तो बताइए। रीतिवाचक में देख लो, रीति का मतलब ऐसे समझ लो स्थिति या पोजीशन, ठीक। जो स्थिति या पोजीशन बताए वो वाले, जो क्रिया की स्थिति या पोजीशन, मतलब स्थिति बोल दो या पोजीशन बोल दो, बात तो एक ही है। तो जो क्रिया की स्थिति को बताएं वो सब क्या कहलाते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, रीतिवाचक विशेषण बोलेंगे, क्रिया विशेषण, ठीक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अच्छा, तो इसमें क्रिया शब्दों से पूर्व कैसे शब्द का हम जब प्रश्न करते हैं तो जो हमें उत्तर मिलता है वो हमें क्या कहलाता है, रीतिवाचक, ठीक। जैसे चुपचाप, धीरे, अचानक, अच्छी तरह, जरूर, सचमुच, शायद, इसलिए, देखो राम ने पढ़ाई नहीं करी, नहीं की, इसलिए जो है क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो भैया राम ने पढ़ाई नहीं की इसलिए, मतलब ये क्या पोजीशन बता रहा है, स्थिति बता रहा है। अगर राम पढ़ाई करे होते तो क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाते। तो यहां पर इसलिए जो शब्द आया वो हमारा कैसा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ, ठीक। शायद, सचमुच, ये जितने भी आए, ऐसे, चुपचाप, राधा चुपचाप चली गई, है ना। तो राधा कैसे चली गई, अब वो स्थिति बता रहा है कि राधा चुपचाप अपना चली गई। तो चुपचाप शब्द हो गया, धीरे हो गया, अचानक हो गया, ये सब बेटा हमारे किसमें आ जाएंगे, रीतिवाचक में। आगे देखें, आगे देखते हैं, ठीक। तीसरा, फोर्थ क्या है, परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब समझ गए ना, परिमाण का मतलब समझते हो, क्वांटिटी मतलब परिमाण, है ना। तो परिमाण शब्द जो है, जो अव्यय शब्द क्रिया की मात्रा या नाप तौल, भाई मात्रा या नाप तौल यही तो परिमाण होता है। पता चला 5 किलो, अगर 5 किलो है तो ये परिमाण हुआ कि ना हुआ। तो ऐसे ही जो क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराएं, मात्रा या नापतौल का ज्ञान कराएं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो भी अविकारी शब्द या अव्यय शब्द क्रिया की, यहां पर संज्ञा या सर्वनाम की अगर बताता तो फिर क्या हो जाता, परिमाणवाचक विशेषण हो जाता। लेकिन अगर वो क्रिया की बता रहा है तो क्रिया की मात्रा या नापतौल का ज्ञान कराएं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक। क्रिया शब्दों से कितना, कितना का शब्द लगाओगे, कितना का प्रश्न करोगे तो उससे क्या मिलेगा, हमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण मिल जाएगा, ठीक। कितना शब्द लगाकर अगर प्रश्न करते हैं तो जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वो हमें क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। जैसे थोड़ा, कम, ज्यादा, बहुत, तनिक, इतना, उतना, ठीक। जैसे इस बार राम नहीं लेते, कोई दूसरा ले लेते हैं, ठीक। नाम क्या है बेटा तुम्हारा, अमन। देखो ठीक, अब वो दौड़ने का काम करता है, कितना दौड़ता है, बहुत दौड़ता है, है ना। तो ये उसका क्वांटिटी बता दी गई ना, थोड़ा दौड़ता होता तो वो भी क्वांटिटी हो जाती। तो यहां पर बेटा ये सब क्या हो जाएगा,
ये सब परिमाण बता रहे हैं, ये सब आपकी क्वांटिटी बता रहे हैं, ठीक। परिमाण ही बोलना, परिणाम ना बोल देना, परिमाण और परिणाम में अंतर है, ठीक। परिणाम किसे बोलते हैं बताओ, परिणाम क्या है? जल्दी जल्दी में कोई भेद पूछे, परिमाणवाचक की जगह परिणामवाचक कर दो है। परिणाम होता है रिजल्ट, है ना, और परिमाण होता है क्वांटिटी, यही तो होता है। हिंदी इंग्लिश से भी समझ लो तो कुछ चीजें ज्यादा समझना आसान हो जाती है ना, आसान हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ऐसे करके हम लोग इतना उतना थोड़ा बहुत कम ज्यादा ये बेटा सब हमारे आ जाएंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं ना? अच्छा देखो बेटा, अब संबंध बोधक, संबंध बोधक में क्या है, पहले हम लोगों का क्रिया विशेषण था ना, क्रिया विशेषण हो गया, जो चार भेद थे ना टोटल, उन चार भेदों में नंबर एक आपका क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण के जो भी चार भेद थे वो सारे हो गए, ठीक। अब हम लोग पढ़ लेते हैं दूसरे नंबर पे जो आता है इसी का, दूसरा नंबर कौन सा, संबंध बोधक, उसको देख लेते हैं, ठीक। तो संबंध बोधक में क्या है, जो अविकारी शब्द या ऐसे अव्यय शब्द, जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों विशेषकर क्रिया के साथ संबंध बताते हैं, ठीक। किसके साथ संबंध बताएं, क्रिया के साथ संबंध बताएं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, संबंध बोधक अव्यय, अव्यय कहते हैं। और वो जैसे का, की, के, में, पर, जैसे राम का है ना, तो राम का यहां पर क्या हो जाएगा, तो राम की पुस्तक राम का, ऐसे कर लो, राम का घर, हाँ ऐसे लिख लो, तो देखो यहां पर। अब यहां समझो, जो पास है ये शब्द कैसा था, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया है ना, पास है। अब राम का घर, यहां पर जो मोहन के पास है किसका घर, तो राम का घर, तो घर है। अब वो किसका घर है, मोहन के पास में एक घर है, वो घर किसका है, तो वो राम का है। तो यहां पर संबंध बता रहा है ना, मतलब संज्ञा या सर्वनाम से किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का जब संबंध बताया जाता है तो वहां पर हमारा कौन सा विशेषण हो जाता है, कौन सा संबंध, हाँ कौन सा संबंध हो जाता है, यहां पर संबंध बोधक अव्यय हो जाता है, ठीक। राम के द्वारा पुस्तक लिखी जा रही है, किसके द्वारा, राम के द्वारा पुस्तक लिखी जा रही है, तो पुस्तक लिखने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, राम के द्वारा। तो जो के द्वारा शब्द है ये क्या है, देखो मोहन के द्वारा पुस्तक लिखी गई, ठीक। तो देखो मोहन ने पुस्तक को लिखने का कार्य किया, यहां पर जो के द्वारा शब्द आया है ये क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है दोनों के बीच में, ठीक। ये क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। तो यहां पर बेटा हमारा ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो ये शब्द हैं काकी के, मैं पर, के द्वारा, से द्वारा, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, संबंध बोधक में आ जाते हैं, ठीक। आगे चलें, विस्मयादि बोधक में देख लेते हैं। विस्मयादि बोधक आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, एक्सक्लेमेशन है ना, तो विस्मयादि बोधक मतलब जो विस्मय दिखाएं, जैसे हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, क्रोध इत्यादि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। कैसे अव्ययों का प्रयोग करते हैं हम, विस्मयादि बोधक अव्ययों का, जैसे अरे, हे, ओ, ऐसे बोल देते हैं ना, अरे ये बहुत गलत हुआ, वाह बहुत अच्छा है ना। तो ये सब हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं ये सब क्या कहलाते हैं हमारे,
विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं, और ये विस्मयादि बोधक जो होते हैं वो सब अव्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें वही बताया गया, जैसे अरे, वाह, ओ, उफ, ठीक, शाबाश, ऐसे जितने भी ये शब्द हैं, ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे विस्मयादि बोधक शब्द हैं। और विस्मयादि बोधक शब्दों को किसमें रखा गया? अविकारी शब्दों में रखा गया, इस वजह से ये क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। ठीक, आगे चले हम लोग, देखो नंबर चार पे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय में क्या है? जो अव्यय शब्द दो पदों या उपवाक्यों को जोड़ने के काम में आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे दो पद हैं, राम भी पद है और श्याम भी पद है, दोनों पद हैं कि नहीं है? है ना। अब इनको दोनों को जोड़ने के लिए बीच में किसका प्रयोग किया गया? और का। तो यही बेटा हमारा समुच्चय बोधक हो गया। यही क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। ठीक, तो राम और श्याम बाजार चले गए, राम गांव चला जाता है, परंतु उसके पिता ने मना कर दिया। राम गांव चला जाता परंतु उसके पिता ने मना कर दिया। देखो लेकिन, किंतु, परंतु, है ना, ये सब किसमें आ जाएंगे? हमारे समुच्चय बोधक में, है ना। राम गांव चला जाता परंतु उसके पिता ने मना कर दिया, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया, किंतु उसके पिता ने मना कर दिया। तो जितने भी ये शब्द हैं ये सब क्या कहलाएंगे आपके? बिल्कुल, और के साथ एवं तथा व राम व श्याम, है ना। तो ये जितने सारे शब्द हो जाएंगे ये बेटा हमारे क्या कहलाएंगे? समुच्चय बोधक। तो आज आप लोगों के ये अविकारी शब्दों का भी इतिहास हुआ क्या? हाँ बेटा, हिंदी बोलो। हाँ ठीक, अच्छा देखो, जो हमारा समुच्चय बोधक है उसके बेटा कितने भेद हैं? पांच भेद हैं। ठीक, मुख्यता इसके किसके? समुच्चय बोधक के पांच भेद हैं। ठीक, ये ना पढ़ना, समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं? पांच भेद हैं। संयोजक जैसे और, एवं, तथा, ये संयोजक अव्यय हो गए। विभाजक अव्यय में अथवा या, जैसे देखो रोहित अथवा मोहित, है ना। तो ये विभाजक अव्यय हुए कैसे? कि या तो रोहित और या तो मोहित, ये विभाजन कर रहे हैं ना, मतलब दोनों को अलग अलग विभाजन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कह दें मोहित तथा रोहित, तो इन दोनों का क्या हो रहा है? संयोजन हो रहा है ना। तो संयोजन जहां हो रहा है वो संयोजक अव्यय कहलाएंगे, जहां विभाजन हो रहा है वो विभाजक अव्यय कहलाएंगे। जैसे रोहित या मोहित, जैसे कोई काम है कह दो रोहित या मोहित को बुला लो, तो या तो रोहित को बुला लो या तो मोहित को बुला लो, है ना, दोनों को तो नहीं बुलाओगे। अब कोई कहता है रोहित और मोहित को बुला लो, तो मतलब रोहित को भी बुलाओ और मोहित को भी बुलाओ, है ना। प्रतिषेधक अव्यय में देखो, जहां मना करने वाला सेंस आए वहां जैसे पर, परंतु, किंतु, मगर, बल्कि, लेकिन, लेकिन, किंतु, परंतु, है ना। जैसे कि राम गांव चला जाता पर उनके पिताजी ने मना कर दिया, राम गांव चला जाता किंतु उनके पिताजी ने मना कर दिया, वह पास हो जाता, वह पढ़ता, वह उसने पढ़ा तो परंतु वह फेल हो गया, है ना। राम गांव चला जाता मगर उसके पिताजी ने मना कर दिया, है ना। राम गांव चला जाता लेकिन उसके पिताजी ने मना कर दिया। तो देखो इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? दो वाक्यों का संयुक्त भी हो रहा है दोनों वाक्य। तो यहां पर बेटा ये हमारा हो गया प्रतिषेधक अव्यय। निर्देशक हमारे अव्यय जैसे अर्थात, यानी, अर्थात या यानी शब्द जो है हमारे, ये सब निर्देशक अव्यय में आ जाएंगे। हेतु अव्यय में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे? जहां हेतु हो, जैसे फलस्वरूप, है ना, राम, या देखो
क्या लिखा है? मोहन ने पढ़ाई नहीं की, फलस्वरूप वह अनुत्तीर्ण हो गया। अगर मोहन पढ़ाई किए होता तो क्या हो जाता? पास हो जाता, है ना, उत्तीर्ण हो गया होता। तो फलस्वरूप ये जहां हेतु दिया गया वो फलता इसलिए, क्योंकि वह अनुत्तीर्ण हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी, है ना। तो ये सारे शब्द हमारे किसमें आ जाएंगे बेटा? हेतु कव्य में। तो आपको अगर पूछा जाए, पहली बात तो ये शब्द दे दिए जाएंगे, और इनमें से बहुत पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा अव्यय है, निम्नलिखित में से अव्यय शब्द हैं, तो अब तो समझ जाओगे ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया इन चारों के अलावा जो भी है वो सब क्या है? वो सब अविकारी शब्द हैं। ठीक, आगे देखो। इसके बाद आप लोगों ने यह भी देखा है कि निपात भी अव्यय के अंतर्गत आते हैं, है ना, निपात भी अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो भैया निपात को भी देख लेते हैं एक बार, निपात अव्यय के अंतर्गत हैं। तो देखो, जो अव्यय शब्द वाक्य में लगकर उसके किसी शब्द पर विशेष जोर, जो विशेष जोर दें या बल देते हैं तथा उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसे सीमा में बांध देते हैं, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? निपात। जैसे ही, भी, तो, तक, मात्र, भर। जैसे राम ही क्रिकेट खेलता है, अब इसने सीमा में बांध दिया कि केवल राम ही है जो क्रिकेट खेलता है, मतलब दुनिया और सब और कुछ खेलती है, केवल राम ही क्रिकेट खेलता है। ऐसे शब्द सुने होंगे ना, बोले केवल हमारा ही बेटा पढ़ता है ना, दुनिया का जो है तो हमारा ही पढ़ता है, मतलब एक सीमा पे बांध दिया कि भैया और कोई नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ कौन पढ़ रहा है? हमारा ही बेटा पढ़ रहा है, हमारा ही बेटा लायक है। या कुछ लोग कह देते हैं कि जो है हमारा ही बेटा नालायक है ना, तो मतलब नालायक और कोई नहीं है, सिर्फ कौन नालायक है? हमारा ही बेटा नालायक है। तो कहने का मतलब जहां ही, भी, राम क्रिकेट भी, हम ही, तो ही शब्द आपका क्या हो जाएगा? निपात में आ जाएगा। जैसे देखो, राम क्रिकेट भी खेलता है, तो राम मतलब अन्य गेम्स भी खेलता है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या खेलता है? क्रिकेट भी खेलता है। तो मतलब अब इन्होंने क्या किया, किसी शब्द पर विशेष जोर दे रहे हैं या बल दे रहे हैं तथा उसके अर्थ में परिवर्तन कर रहे हैं या उसे सीमा में बांध रहे हैं। जैसे राम क्रिकेट भी खेलता है, तो अब ये विशेष जोर दे रहे हैं ना कि और अन्य गेम्स के साथ साथ वो क्रिकेट भी खेलता है। समझ गए यहां तक? मुझे मात्र एक रुपया चाहिए, है ना, मात्र एक रुपया। तो जो मात्र शब्द है यहां पर अव्यय कौन सा हो जाएगा? ये जो मात्र है यहां पर, अच्छा अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए, सुनो, प्रश्न अच्छा अगर ऐसे बन के आ जाए कि निम्न वाक्य में जो रेखांकित शब्द है ये किस प्रकार का अव्यय है, ऐसे प्रश्न बनते हैं ना, निम्नांकित वाक्य में रेखांकित शब्द किस प्रकार का अव्यय है, तो वो निपात है। क्या है? निपात है। ठीक, तुम आज तक मेरे पास नहीं आए, आज तक मेरे पास नहीं आए, तो अब यहां पर आज तक मतलब ये विशेष जोर दिया जा रहा है कि जब से लड़ाई हुई तब से तुम आज तक हमारे पास नहीं आए, है ना, तो एक विशेष इसमें बात बताई जा रही है, जोर दिया जा रहा है। तो ये बेटा सब कुछ क्या, किसके अंतर्गत आ जाएगा? निपात के अंतर्गत आ जाएगा। चीजें क्लियर हो गई? सबसे पहले क्रिया विशेषण पढ़ा, संबंध बोधक पढ़ा, विस्मयादि बोधक पढ़ा, और इसके बाद समुच्चय बोधक पढ़ा। समुच्चय बोधक के बाद हम लोग किसमें आ गए? निपात में आ गए। तो निपातों को भी अव्यय के अंतर्गत माना जाता है, इस वजह से ऐसे देखा जाए तो ये पांच हो गए। बाकी वैसे बेसिकली अगर इसके भेद किए जाएं तो चार भेद हैं। कौन कौन से? बोल के सारे लोग बोलो, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। क्रिया विशेषण के कितने भेद बताए हमने? चार भेद। नंबर एक कौन कौन सा बोलो? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। यही तो चार थे, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। यही देखो लिखा भी होगा, यही लिखे होंगे। आगे चलते हैं हम लोग, एक बार देख लो भाई। और
ये देखो है ना, कालवाचक, ये देखो नंबर एक, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, चार हो गए वेद। आगे चले हम लोग, अव्यय शब्द क्लियर हो गए कि नहीं हो गए भैया बताओ? चलो आगे चलते हैं, निपात हो गए बेटा। अब हम लोग दूसरे चैप्टर पे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं काल। काल मतलब, काल बोले तो हाँ समय वाला काल। अब देखो उन्हीं काल को तीन प्रकार से कैटेगराइज किया गया। एक तो आपका आ गया वर्तमान काल, ठीक, भूतकाल और भविष्यकाल। वैसे तो तीन ही काल है ना, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान मतलब, वर्तमान मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है, भूत मतलब जो व्यतीत हो गया, और फ्यूचर भविष्य मतलब जो आगे होगा, है ना। अच्छा अब देखो वर्तमान काल के तीन भेद, सामान्य, तात्कालिक और संदिग्ध। कौन कौन सा? सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। तात्कालिक सामान्य वर्तमान में देखो जैसे राजा जाता है तो ये क्या हो गया, सामान्य वर्तमान हो गया, ठीक। इसके बाद सामान्य वर्तमान के साथ साथ अगर तात्कालिक वर्तमान की बात करें तो तात्कालिक जो आप लोग पढ़ते हो किसमें, कंटिन्यूअस में, है ना। जैसे राजा जा रहा है, ये किसमें हो गया, रहा है, रही है, मोहन पढ़ रहा है, ये तात्कालिक है क्योंकि उसी समय वो कार्य हो रहा है ना। विद्यार्थी पढ़ रहा है, पता चला आप थोड़ी देर बाद अपना दूसरा काम करेगा, है ना। राजा जाता है, जाता है तो वो एक सामान्य वर्तमान हो गया कि जा रहा है ना। तो राजा जाता है यहां पर ऐसे शब्द में हमारे जो सामान्य वर्तमान का बोध होगा, तात्कालिक में हमारे जैसे रहा है, रही है, ये, ठीक। संदिग्ध में जहां सस्पेंस बना रहे, जैसे राजा जा रहा होगा, राजा जा रहा होगा, मतलब एक सस्पेंस बना हुआ है कि राजा अभी गया है कि नहीं गया, जा रहा होगा, है ना। तो ये एक संदिग्ध वाली बात हो गई, तो यहां संदिग्ध वर्तमान का हो जाएगा ये उदाहरण, ठीक। तो तीन प्रकार के वर्तमान हो गए, एक तो आपके सामान्य, तात्कालिक और संदिग्ध। ऐसे ही आप भूतकाल में चलते हैं तो भूतकाल में देखो, हाँ भूतकाल देख लो, भूतकाल से क्वेश्चन भी बनते हैं ज्यादातर। देखो भूतकाल में कितने भेद हो गए इसके, छह। ये बेटा भूतकाल के हैं, ऐसे यहां से क्लियर हो जाएगा। भूतकाल देखो कौन कौन से, एक तो सामान्य भूत। सामान्य भूत में जैसे राजा गया है ना, जैसे आप पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते हो तो सामान्य भूत का मतलब राजा गया, गया मतलब चला गया। अब जो ये है तो सामान्य भूत में आ जाएगा। अब जो आप परफेक्ट में पढ़ते हो ना, जैसे राजा जा चुका था, राजा जा चुका है, तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, आसन्न भूत में। राजा जा चुका है, चला गया, है ना, ये किस में आ जाएंगे, आसन्न भूत में। इसके बाद पूर्ण में क्या, राजा जा चुका था, ये राजा ये लड़ाई जीत चुका था, मतलब ये काम क्या हुआ कि भैया पूर्ण हो गया, भूतकाल में ये कार्य क्या हो गया है, पूर्ण हो गया है। इस वजह से जैसे राजा लड़ाई जीत चुका था, राजा या मोहन सेब खा चुका था, तो भैया मोहन सेब पहले ही खा चुका था, है ना, तो उसने ये कार्य पूर्ण कर लिया था पास्ट में। तो जो भूत में ये काल हो चुका है तो ये हमारा किस में आ जाएगा, पूर्ण भूतकाल में। संदिग्ध में देखो वही चीज आ गई, होगा पास्ट का ही, होगा भूतकाल का ही वाक्य, लेकिन अब वो क्या है कि संदिग्ध में होगा। जैसे राजा जा चुका होगा, है ना, राजा जा चुका होगा। जैसे बात अब तुमसे कोई आप लोगों से पूछे कि यार वो दोस्त जो तुम्हारा आया था वो तो आज निकल गया, बोले हाँ अब, लेकिन अब तो घर भी पहुंच गया होगा, मतलब पर कंफर्म तो पता नहीं है ना कि गया ही है, वो पहुंच गया कि नहीं गया, है ना। लेकिन एक चीज ये हो गई ना कि हाँ यार अब तो वो घर भी पहुंच गया, जा चुका होगा, अब तो वो घर भी जा चुका होगा। तो यहां पर बेटा ये चीज क्लियर कर लो कि जैसे राजा जा चुका होगा, यहां पर संदिग्ध चीज बताई गई, मतलब अभी संदिग्ध अवस्था है कि जा चुका होगा, पहुंच गया होगा, है ना, वो खा चुका होगा, आप उसको फल दे आओ। अब आप एक इमेजिन करोगे यार अब तो वो खा चुका होगा, है ना, आप घर पे जाओ यार अब तो खीर बन चुकी होगी,
अब इतनी देर हो गई, अब तो खीर बन चुकी होगी, अब हो सकता है ना बनी मिले, है ना। तो जो चीजें हम संभाव्यता में रहते हैं, मतलब संदिग्ध उसमें रहते हैं, वो सारे के सारे वाक्य किसमें आ जाएंगे, संदिग्ध भूत में। अपूर्ण में देखो जहां कितने चले गए, रिकॉर्डिंग रोक दी सर। तो देखो अपूर्ण में क्या, राजा जा रहा था, है ना, जा रहा था, रहे थे, ये सब किसमें आ जाएंगे, आपके अपूर्ण भूत में। यहां पर क्योंकि कार्य पूरा नहीं हुआ था, वो जा रहा था, बोले वो दोस्त आपको मिला था, हाँ बोले वो तो बाजार जा रहा था, है ना, तो मतलब कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, तो जा रहा था, रहे थे, रही थी, ये सब होते हैं, तो अपूर्ण भूत में आ गया। पूर्ण भूत में वही चीज फाइनल हो जाती है, डन हो जाती है, ठीक। इसके बाद देखो हेतु मद, ये इंपॉर्टेंट कर लो, हेतु मद क्या है, अगर राजा पढ़ता तो डॉक्टर बन जाता। यहां पर एक हेतु दिखाया गया कि अगर वो ऐसा कार्य कर लेता तो ये बन गया होता, है ना, अगर वो पढ़ाई की किया होता तो ये बन जाता, तो अगर राजा पढ़ता तो डॉक्टर बन जाता, मतलब यहां पर अभी वो बना नहीं है, हेतु मद है कि ऐसा कर लिया होता तो ये हो जाता, तो यहां पर ऐसे बन जाता, है ना, मतलब पास्ट की बात हो रही है, ये समझते जाना। आप फ्यूचर में भी पढ़ोगे, भविष्य काल में भी पढ़ोगे हेतु मद, उसमें क्या होगा, यदि राजा पढ़ेगा तो डॉक्टर बन जाएगा, है ना। तो यहां पर अभी संभावना दिखाई जा रही है कि अगर ये पढ़ेगा तो बन जाएगा, लेकिन यहां पर क्या है, यदि ये पढ़ता तो बन जाता। जैसे आपने आपके पिताजी या और कोई लोग अगर छोटे बच्चों को देखे बोले यार अगर ये कर लिया होता तो यार ये बन जाता, है ना, मतलब वो तो कर नहीं पाए, तो ऐसे कहने का मतलब यही है कि यदि राजा पढ़ता तो भैया डॉक्टर बन जाता। यहां पर अब एक बार देख लेते हैं हम लोग भविष्य वाला, ठीक, ये भूतकाल वाले जरूर देखते रहिएगा, भविष्य काल वाला देख लो। भविष्य काल में एक तो सामान्य भविष्य, राजा जाएगा, मतलब जैसे आप सिंपल फ्यूचर पढ़ते हो ना, ये सब आपके आ जाएंगे सामान्य भूत में, शायद राजा जाए, तो जहां शायद, अब राजा मतलब अभी गया नहीं ना, पहले जा चुका है, अब शायद राजा वहां जाए, तो जाए मतलब ये एक संभावना बताई गई, क्यों अभी कंफर्म कुछ नहीं है, लेकिन वो भविष्य में ऐसा कार्य कर सकता है, शायद वो उससे लड़े, अभी उसने लड़ाई नहीं करी ना, उसने पहले कभी लड़ाई करी है, शायद वो उससे लड़े अब, तो ऐसा करने का मतलब जो जैसे ये वाले वाक्य होंगे शायद, तो ये हमारी संभावना बताएंगे। हेतु मत क्या हो जाएगा, यदि राजा पढ़ेगा तो डॉक्टर बन जाएगा, अगर भविष्य में वो ऐसा कार्य करेगा तो वो ऐसा बन जाएगा, है ना, अगर वो चोरी करेगा तो चोर बन जाएगा, अगर वो करेगा तो, है ना। तो यहां पर यही सारे शब्द जो है वाक्य है ये हमारे हेतु मत दिखाते हैं, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया, अच्छा, इसके पार्ट आपके पूरे भूत के भी हो गए, वर्तमान के भी हो गए, ठीक। तो यहां पर हमने इससे बता दिया, वाक्य रचना देख लो, सामान्य वर्तमान वर्तमान काल, जहां वाक्य सामान्य अवस्था में रहता है वो हमारा क्या कहलाएगा, सामान्य वर्तमान, ठीक। जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला पढ़ते हो या जो सिंपल प्रेजेंट है, तो जैसे ता ती ते ये लगता है ना, तो ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, ये सब हमारे हाँ वर्तमान में आ जाएंगे, सामान्य वर्तमान में, ठीक। विद्यार्थी साल भर परिश्रम करते हैं, तो यहां पर ता है, ती है, ते हैं, तो ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, सामान्य वर्तमान में आ जाएंगे, ठीक। तात्कालिक में हमने बताया था आप लोगों को, तात्कालिक में क्या हो जाता है, जहां चल रहा हो, जो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस वाली जो चीजें देखते हो, जहां वर्क जो भी है, क्रिया है, वो हो रही हो, जहां क्रिया चल रही हो, तो वहां पर आपका तात्कालिक वर्तमान होता है। तात्कालिक का मतलब हुआ क्रिया हो रही हो, है ना, जैसे पूनम रामायण का पाठ कर रही है, तो रामायण का पाठ अभी क्या हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, अभी वो पाठ कर रही है, रामायण पढ़ रही है, तो ये सब रहा है, रही है, ये सब आपके आ जाएंगे तात्कालिक वर्तमान में, ठीक। संदिग्ध में देख लो, संदिग्ध में हमने बताया
जहां वाक्य में क्रिया के होने का संदेह का भाव आ जाए, तो भैया जहां भी संदेह का भाव आ जाएगा, संदेह का भाव आना मतलब संदिग्ध वर्तमान काल, समझ गए ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे अनीता अपने पति को पत्र लिखती होगी, तो यहां पर संदिग्ध वर्तमान आया। अब आप लोगों को लगेगा कि यार होगा, होगी, होंगे, होंगी, ये तो यार हमारे भविष्य काल के होते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, लिख रहा होगा, लिखती होगी, है वर्षा हो रही होगी, तो ये क्या है, ये सब आएंगे वर्तमान में ही। लेकिन कैसे, कौन से वाले वर्तमान में आ जाएंगे, संदिग्ध वर्तमान में। अगर वर्षा हो रही है तो ये हमारा आपका आ जाएगा, इसके पहले वाला जो आपने पढ़ा था तात्कालिक, वर्षा होती है तो ये सामान्य वर्तमान हो गया, वर्षा हो रही होगी, पत्र लिखती होगी, है ना, कार्य कर रही होगी, तो ये सब हमारे आ जाएंगे किसमें, संदिग्ध वर्तमान में। इनमें कंफ्यूज ना होना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से या वाक्य को देख के ऐसा लगेगा कि ये भविष्य काल के हैं, हो रही होगी, लेकिन यहां इसको भविष्य में नहीं रखेंगे, ये हमारा किसमें आ जाएगा, संदिग्ध वर्तमान में आएगा। ठीक, अच्छा आगे चलें, देखो भूतकाल हमने आपको बता ही दिया, भूतकाल में जो छह उसके भेद बताए, देखो छह भेद बता दिए, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, संदिग्ध, अपूर्ण और हेतु हेतुमत। सामान्य भूत में देख लो, इसमें भूतकाल की क्रिया से सिर्फ यह पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में हुई, यह पता नहीं चलता कि काम को हुए अधिक देर हुई या थोड़ी देर, वहां सामान्य भूत होता है। जैसे देखो रोहित उस घटना को भूल चुका है ना, तो अब यहां पर क्रिया के बीते हुए समय में हुई या यह पता नहीं चलता कि काम को हुए अधिक देर हुई या थोड़ी देर, अब वो भूल चुका है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो अभी भूला है कि पहले भूला है ना। तो सोहन ने खाना खाया, अब भाई सोहन ने खाना खाया तो ये तो नहीं पता हुआ ना, ये पता तो नहीं चलता कि काम को हुए अधिक देर हुई, कब हुआ, लेकिन सोहन ने खाना खाया, इतना पता है कि सोहन ने खाना खाया। ठीक, तो ये जितने भी हैं, भूल चुका, चुका, चुके आए, फिर या ई ए, या ई ये जहां जहां मिले, ये लिखा भी है, या ई ये ई ए आ, ठीक, ये जहां जहां दिखे आपको ऐसे, केवल चुका है अगर लगा है तो वो अलग हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर आपका ये आपके आ जाएंगे सामान्य भूतकाल में। ठीक, सामान्य भूतकाल के बाद अब अपन लोग देख लेते हैं आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्या होता है, इसमें भी, इसमें क्या हो जाता है, देखो उसमें केवल चुका, चुकी, चुके, या, ई, ये ऐसे लगता था, यहां पर है ये भी लग जाता है, जहां है लग जाए तो वो आपका किसमें आ जाएगा, आसन्न भूत में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, आसन्न भूत में आ जाएगा। देखो जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा व नागासाकी पर बम गिराया है, अच्छा केवल गिराया होता तो किसमें आ जाता, तो इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा, कौन सा इसके पहले, देखो कौन सा पढ़ा हम लोगों ने, इसके पहले तो हम लोगों ने ये पढ़ा ना सामान्य भूत, तो ये सामान्य भूत काल में आ जाएगा। भाई केवल गिराया, देखो चुका, खाया, गिराया, ये सब किसमें आ जाते, सामान्य भूत में आ जाते। लेकिन अगर यहीं पर है लग जाए, है तो ये सब किसमें आ जाएंगे बेटा, हाँ देखो गिराया है, तो ये आपके आ जाएंगे आसन्न भूतकाल में। ठीक, अब देखो जहां पर है ये ना होके क्या आ जाए आपका, था, थी, थे आ जाए। देखो था, थी, थे, चुका, या, ई, ए, ये सभी आएंगे, बस यही एक डिफरेंस देख लेना, यही मेन है नहीं लगा है, चुका केवल लगा है, खाया, पिया, लिया, दिया, या, ई, ए, तो वो आपका कैसा हो गया, सामान्य भूतकाल, है लग गया, ही लग गया, है लग गया, आसन्न भूत हो गया। इसके बाद था, थी, थे लग जाए तो आपका वो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अंतर केवल इतना ही तो है, बाकी तो देखो आ, ए, ई, या, ए, ई, चुका, चुके, चुकी, ये सब है, केवल था, थी, थे लग गया तो ये आपका किसमें आ गया, पूर्ण भूतकाल में आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, पूर्ण भूतकाल के बाद संदिग्ध में क्या हो जाएगा, जहां पर होगा, होगी, होगे ऐसे लगाओ। ठीक,
मतलब कार्य को बीते हुए उसमें बताया जाए, चुका होगा, एक संदिग्ध अवस्था बताई जाए कि अब वो कर रहा होगा, कर चुका होगा, है ना। रमेश ने श्याम से मिलने को कहा होगा, राधा ने पूनम को बुलाया होगा, मतलब कोई कंफर्म नहीं है, हो सकता है बुलाया हो ना भी बुलाया हो, लेकिन एक वो वक्ता कह रहा है कि बुलाया होगा। ठीक, अच्छा, तो यहां पर बेटा संदिग्ध भूतकाल हो गया। अब देखो आगे चलते हैं हम लोग, अपूर्ण भूतकाल। ठीक, अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, इस काल की क्रिया से पता चलता है कि बीते हुए समय में कोई क्रिया जारी तो थी। क्या जारी थी? कोई क्रिया जारी तो थी परंतु वह पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई। तो यहां पर जैसे रहा, रही, रहे, ता, ती, ते और उसके साथ था, थी, थे लगाओ। जैसे कल जयपुर में बरसात हो रही थी, तो जो रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, चुका नहीं होगा, रहा था, रही थी, रहे थे, या ता था, ती थी, ते थे, ये सब किस में आ जाएंगे? आपके अपूर्ण भूतकाल में आ जाएंगे। हेतु मत में बेटा हमने बताई दिया, रेखा डॉक्टर बन गई होती यदि यदि पीएमटी या सीपीएमटी या नीट जो भी कह लो, नीट की परीक्षा पास हो जाती है ना, तो वो क्या बन गई होती? डॉक्टर बन गई होती। तो यहां पर आपका जो है क्या हो गया, ये आपका जो भी है ये आपका संदिग्ध बता रहे हैं, हेतु मत काल है। यहां पर एक हेतु बताया गया कि अगर वो ऐसा कर लेती तो ये बन गई होती। तो यहां पर बेटा ये भूतकाल की बात हो गई। ठीक, अब बचा हम लोगों का भविष्यकाल। भविष्यकाल में हम लोग आ जाते हैं, जिस क्रिया से आने वाले समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है, मतलब आने वाले समय में, भविष्य में, है ना। तो भविष्य में जब किसी का बोध हो, भविष्य में किसी क्रिया के होने का बोध हो, तो वहां पर हम क्या कहते हैं उसे, भविष्यकाल। अब वो भविष्यकाल के तीन भेद हो गए, सामान्य, संभाव्य और हेतु। हेतु मत सामान्य में देखो, सामान्य वाली चीजें आ जाएंगी, जहां धातु आपकी गागी के ऐसे लग जाते हैं, है ना। जैसे देखो सामान्य भविष्य देख लो, तो इसका प्रयोग भविष्य में होने वाली क्रिया के संभाव्य के लिए अथवा अनिश्चित या अस्थायी रूप से। देखो ये चीजें ना समझो, ऐसे समझ लो कि जहां पर धातु लगी हो गागी गे लगाओ। जैसे दादी जी पुष्कर जाएंगी, तो जाना क्रिया हो गई और गागी गे लग गया तो जाएंगी। जयपुर जाएगी, तो देखो जाना क्रिया हो गई ना, और जाना क्रिया में गागी गे ये आपका हेल्पिंग वर्ब लग गई, तो ये हमारे सारे क्या बन गए, हाँ ये सब हमारे कैसे हैं, सामान्य भविष्य हो गया। ठीक बेटा, कैसा भविष्य है ये, सामान्य भविष्य काल का उदाहरण हो गया। इसके बाद देखो संभाव्य भविष्य में, जिस काल में भविष्य के जिस काल में भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना आधारित अनुमान की अभिव्यक्ति होती है। जैसे यहां पर होता क्या है, शायद या हो सकता है या संभव है, ये तीन शब्द आ जाए। कौन कौन से शब्द आ जाए एक बार फिर से देखो, शायद, हो सकता है, संभव है, ऐसे तीन शब्द आ जाए, और फिर इसके बाद कर्ता या धातु का मूल रूप आ जाए। जैसे शायद पिताजी आए, शायद पिताजी आए, लेकिन अभी तो आए नहीं है, ना आए थे, तो ना तो प्रेजेंट का टेंस है, ना तो ये पास्ट का है, ये शायद पिताजी आए, है ना, शायद वर्षा हो, तो हम लोग एक संभावना करते हैं ना, तो ये बेटा हमारा सब संभाव्य में आ जाते हैं। संभव है इस माह के अंत तक अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाए, अभी हुई नहीं है, ना हुई थी, लेकिन अब ऐसे संभव है कि हो सकती है। हो सकता है मैं कल आऊं, लोग बात करते हैं ना कि भैया देखो हो सकता है हम कल आए, है ना, तो हो सकता है का मतलब ये जितने भी ये तीन शब्द याद रखो, शायद, संभव है या हो सकता है, ये अगर तीनों शब्द आ रहे हैं तो आपका किसमें है, और इसके बाद आऊं, आगे इन फ्यूचर कोई कार्य होने की संभावना हो तो वो सब आपके संभाव्य में आ जाएंगे। ठीक, हेतु हेतु मद में देखो, जैसे आपने पढ़ा था हेतु हेतु मद का क्या है कि हेतु हेतु मद में आपकी भूतकाल की तरह किसी क्रिया का भविष्य या ना होना किसी कारण की उपस्थिति पर निर्भर करता है, वहां हेतु हेतु मद भविष्य होता है। जैसे देखो इतनी ठंडक रहे तो सारे जल स्रोत ही बर्फ हो जाएं, है ना, अगर इतनी ही ठंडक बनी रहे तो सारे जल स्रोत क्या हो जाएं, बर्फ बन जाएं। तो अभी बने तो नहीं है, लेकिन अगर इतनी ठंडक बनी रही तो बन जाएंगे,
बन जाने की संभावना है, या वो ऐसा पढ़ ले तो राजा अगर पढ़ ले तो डॉक्टर बन जाए, राजा पढ़ ले तो पीसीएस बन जाए, है ना। तो यहां पर वह लगातार इतनी मेहनत करे तो विद्वान ही हो जाए, अगर वो मेहनत करे तो विद्वान हो जाए, नहीं करेगा तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें बेटा किसमें आ जाती हैं आपकी, हेतु हेतु मत भविष्य में आ जाती हैं। अंतर क्लियर हुआ? देखो जो आपका वर्तमान, वर्तमान के भी तीन भेद, भूत के कितने, छह भेद, और भविष्य के तीन भेद, है ना, तीन छह तीन, इसमें भी सामान्य संभाव्य ऐसे करके, है ना, पूर्ण, इसमें पूर्ण अपूर्ण संभाव्य हेतुमद और कई प्रकार के, इसमें भी तीन आपके कितने, हेतुमद हो गया, संभाव्य हो गया, सामान्य भविष्य हो गया। तो ऐसे करके जो तीन तीन छह छह बारह, टोटल कितने हैं, बारह भेद हैं, बारहों के उदाहरण देख लेना, जैसे उदाहरण जो इसमें बताए गए, है ना। तो ये आपके किसमें आ जाएंगे बेटा, ये आपका काल, जो ये आपका चैप्टर था काल, वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। अच्छा चलो, आज हम लोगों का अगर हम नेक्स्ट टॉपिक चलाएंगे भी तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए, तो इसको नेक्स्ट क्लास में रखते हैं, ठीक, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा, जो लोग चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों को जो भी डेली अपडेट्स हैं एग्जाम से रिलेटेड या आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और कुछ दिनों में एडी स्मार्ट क्लासेस परिवार आप लोगों के लिए सीटेट वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम लोग संस्कृत की क्लासेस लेके आ रहे हैं, तो आप लोग जुड़े रहिए, और संस्कृत की क्लासेस और मज़ेदार होने वाली हैं। जिन बच्चों को संस्कृत के विषय में नहीं उतना रीच है, वो लोग संस्कृत की क्लासेस यहाँ से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हो। तो बेटा जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, क्लास देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक।